उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला पर उसके पति ने चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला जनपद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र का है। महिला का पति उसे बुलाने के लिए ससुराल गया था, लेकिन उसका पति नशा करता है, जिसका विरोध महिला के द्वारा किया जा रहा है। महिला को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए पत्नी जाना नहीं चाहती थी। महिला ने अपने पति के साथ जाने से मना कर दिया, जिसके बाद उसके पति को गुस्सा आ गया और महिला के पति ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी आ गए और महिला को बामुश्किल बचाया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। काट रहा था गर्दन। किसकी? अपनी बीबी की। अच्छा, तो आपने आप जब अंदर आए तो क्या कंडीशन थी? कंडीशन क्या, हाथों पर चाकू था, गर्दन पर रखा हुआ। अब हम जब छुटाने के लिए चले तो बोला गर्दन काट दूंगा मैं, कदम मत रखना आगे। अच्छा, फिर हमने अधे ही मारे फेंक के ये छोड़ दे, मगर इनने छोड़ा नहीं। ये इनका ही इसका शोहर है। क्यों काट रहा था ये? पता नहीं क्या विवाद था इनमें। सबसे पहले जो ये आप आए थे ना, गेट खुला हुआ था हमारा, मैं बर्तन धो रही थी, भाभी भी थी और बाजी हमारी बात कर रही थी, तो बस आए गेट पे और सबने बाजी को पकड़ा। पकड़ने के बाद बस जब एकदम से छुरी निकाली सबने बाजी, मैं तो बाहर चली गई, फिर मैं बचाने के लिए आई तो मुझे भी मार रहे थे, फिर उसके बाद में चली गई, फिर मैंने रोल मचाई तो सभी आ गए मोहल्ले के। ये हमारे भाई है, बहनोई है ये हमारा। क्यों काटना चाहते? ये परेशान ज्यादा रख रहे थे तो इसलिए यहाँ पर आ गए। ये काम तो करते नहीं है, हमारी बहन ही जाती है काम करने भी। जबरदस्ती बुला कर लेके? जी हाँ, जबरदस्ती आई। कह रहे की हमारे मानने की वजह से आ रही। शबनम जो है लड़की, ये यहाँ अपने मायके आई गई थी, इनका पति है रफी सेंटर, ये से यहाँ लेने के लिए आया। इसने आने जाने में कुछ आनाकानी करी, इसी बात को लेकर ना कुछ हो गया, जिसमें वो चक्कू थाने के पास में उसके हाथ में लग रहा, किस तरीके से लग रहा वो तो जांच के विषय है, बात में बताया जाए। हो गई है अभी, बाकी इतनी जानकारी।